के मंगलीपुरवा फाटक से गौशाला तक नो एंट्री के समय भारी वाहनों के एंट्री करने से आए दिन घंटों जाम लगे रहती है। एक एक साथ में 10 से लेकर 20 तक भारी वाहन ट्रकों के नो एंट्री में आवागमन से आए दिन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। नो एंट्री होने के बावजूद लोगों का कहना है कि पुलिस की मिली भगत से सीतापुर रोड में मुरलीपुरवा के पास से ए वाहन गौशाला होते हुए मंगलीपुरवा फाटक से रेलवेगंज में एंट्री करते हैं, जिसके चलते रेलवेगंज वहाँ मंगलीपुरवा फाटक से सैयापुर गौशाला मार्ग घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। कैसे यहाँ पर नो एंट्री होने के बावजूद भी बड़े बड़े वाहन गुजरते रहते हैं, यहाँ पर कई विद्यालय भी है और वहाँ पर कई बार बच्चे दुर्घटना होते होते बच गए हैं और कई बार प्रधान को भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। नेता यहाँ जाम की समस्या यहाँ पर कैसे है? जाम की समस्या सब जो 20 टायरा 10 टायरा सब निकलते हैं इसी पे, और जो है इधर से कई बार DM को लिखित में दिया, कप्तान साहब से कहा और जो है कोई इस पर सुनवाई नहीं। कोई हादसा हो जाए, 5-6 स्कूल हैं, बच्चों बराबर निकलते बैठते रहते हैं कि कोई हादसा हो जाएगा तो बड़ा हादसा। कई बार हमने सूचना दे चुके हैं और कोई एक सुनवाई नहीं होती। कोई कारण नो एंट्री है? हाँ नो एंट्री है, इधर निकलनी नहीं चाहिए और सब भी निकालते हैं। पुलिस वाले पैसा इधर लेके उधर सीधा निकाल देते हैं। कितने कितने ट्रक एक साथ निकलते हैं? एक साथ में 20-20 25-25 ट्रक निकलते हैं।